रेस्टोरेंट से अच्छी पिज्ज़ा आप घर पे ही बना सकते हैं, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। इसके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, ये एक बेसिक रेसिपी है। तो चलिए शुरू करें इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने आधा कप गुनगुना पानी लिया है। पानी एकदम ठंडी होने चाहिए, जैसे इसमें उंगली डाले तो जले नहीं। और उसके बाद एक चम्मच के करीब चीनी और ईस्ट को पिज्ज़ा में डालने से पहले इसे एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव करने के लिए मैंने ड्राई एक्टिव ईस्ट लिया है 2 चम्मच छोटी चम्मच से, और इसे अब हम एक्टिव करेंगे और इसे अच्छी तरीक़े से गुनगुने पानी में मिला देंगे। जब गुनगुने पानी में ईस्ट मिल जाए तब हम इसमें 1 छोटा चम्मच से मैदा डालेंगे और इन तीनों को अच्छी तरीक़ा से मिला देते हैं। इन तीनों को जब अच्छी तरीक़ा से मिल जाएगी तब इसे हम ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और इससे पता चलेगा कि ईस्ट आपकी अच्छी है कि नहीं। अगर ईस्ट आपकी एक्टिव हो गई तो ईस्ट ठीक है, तब आप इसमें मैदा डालकर पिज्ज़ा तैयार कीजिए, और अगर ईस्ट अच्छी नहीं होगी तब इसमें झाग नहीं बनेगा। देखिए ईस्ट एक्टिव है, इसमें झाग बन गया है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैंने 200 ग्राम के करीब मैदा लिया है, और मैदा को हम अच्छी तरीक़े से सान लेते हैं। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का पिज्ज़ा बनाने के लिए 200 ग्राम के करीब मैंने मैदा लिया है। अब हम इसमें अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरीक़े से मैदा को छान लेते हैं और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको फिर पानी लगे तो आप थोड़ी सी सुषुम गर्म पानी ही डाल सकते हैं और थोड़ी सी ऑयल डालकर इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। देखिए मैदा हमारी कितनी अच्छी तरीके से मिल चुकी है और एक सॉफ्ट डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे एक एयर टाइट बॉक्स में करके रख देंगे, जैसे कि मैदा अच्छी तरीक़े से एकदम फूल जाए। इसके ऊपर थोड़ी सी हम ऑयल लगा देते हैं और उसे इस टिफिन बॉक्स में करके हम बंद करके रख दें। आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। इसे आप 1 घंटा के लिए भी रख सकते हैं, 2-3 घंटा के लिए भी रख सकते हैं। मैंने इसे 2 घंटा के लिए रखा था। देखिए एकदम झाग सी बन गई है और एकदम मैदा सॉफ्ट बनके तैयार हो जाएगी। मैदा अच्छी तरीके से फूल गई है। अब हम इसे टिफिन बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। हमें पहले एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ फोल्ड करके हमें इस तरह से करके मैदा को सानना होगा। इस तरह से मैदा एकदम सॉफ्ट हो जाती है। एक हाथ से दूसरी हाथ की तरफ फोल्ड करके हमें इसे अच्छी तरीके से डो तैयार करनी पड़ेगी।
इस तरह से करने से एकदम सॉफ्ट हो जाती है मैदा और अब हमारे बनके तैयार हो गई है। अब आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल का पिज्ज़ा बनाने के लिए करीब 200 ग्राम के करीब मैंने मैदा लिया है और इसे अब अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अगर आपको पतली पिज्ज़ा बनानी है तो मैदा कम लीजिए और मोटी पिज्ज़ा बनानी है रेस्टोरेंट स्टाइल की तो मैदा आप ज़्यादा लीजिए। अब हमें इसे जिस बर्तन पे बनाएंगे उस पर थोड़ी सी ऑयल लगा देते हैं। और इसके बाद हम इसे इसके ऊपर रख देंगे और आप हाथ की भी सहायता से कर सकते हैं, उंगली की सहायता से भी कर सकते हैं, चाहे बेलन से इसे बेल सकते हैं। मैंने उंगली की सहायता से ही इसे कर दिया है। अब एक फॉक से इसके अंदर हम छिद कर देंगे। इस तरह से करने से पिज्जा फूलती नहीं है। अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाते हैं। अच्छी तरीके से पूरे पिज्जा पे हम पिज्जा सॉस को लगा देते हैं। आपको जो भी सब्जी पसंद हो अपनी पसंद की आप इस पे डाल सकते हैं। इसके बाद मोजिला चीज मैंने डाल दिया है और अपनी पसंद की आप इस पे सब्जी सजा सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च को लंबे लंबे पीसेस में कट कर दिया है और पिज्जा के ऊपर इसे एक पे एक सजा दे रहे हैं और कुछ टमाटर के लंबे पीसेस है, इसे भी हम इस तरह से करके सजा देते हैं। और पनीर के पीस, और कुछ प्याज के मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, इसे भी इसके ऊपर से हम सजा देते हैं। अब इसके ऊपर से मोजिला चीज़ डाल देंगे। आपको अगर चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा डालिए। मैं कढ़ाई पिज्जा बना रही हूँ। कढ़ाई पिज्जा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए पहले से रख दिया था। करीब मैंने कढ़ाई को 15 मिनट पहले रख दिया था और ये नमक है। नमक का कलर इसलिए इस रंग का है क्योंकि मैं इसमें केक बनाती हूँ। अब इसमें एक स्टैंड रख देंगे और स्टैंड रखने के बाद हम जो थैली में पिज्जा को तैयार किए हैं उसे इस पे रख देंगे और साइड में आप दूध भी लगा सकते हैं और थोड़ी सी ऑयल भी लगा सकते हैं। दूध लगाने से भी नहीं जलेगी और ऑयल लगाने से भी साइड में नहीं जलेगी। अब इसे हम रख देते हैं प्री हीट होने के लिए। अगर आपकी बेस पतली हो तो इसे 15 से 20 मिनट तक प्री हीट करें। अगर बेस मोटी हो तो 20 से 30 मिनट तक इसे प्री हीट करें। हमारी बेस थोड़ी मोटी है इसीलिए 20 से 30 मिनट के अंदर ही ये पिज्ज़ा हमारी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए चीज़ किस तरह से पिघल रही है और हमारी पिज्जा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की जैसा फूल रही है। पच्चीस मिनट हो चुकी है और चीज एकदम पिघल चुकी है और पिज्जा भी हमारी
बहुत अच्छी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरेगानो डाल देते हैं और चिल्ली फ्लेक्स। अब इसे कट करने के लिए हम प्लेट पे रख देते हैं और इसे कट करते हैं। देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का पिज्जा हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। एकदम देखिए चीज से लपालप रेस्टोरेंट स्टाइल का पिज्जा हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। इसे भी आप लोग भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। यम्मी।